अच्छा आपने वो ही शेड, एक ब्राउन शेड मैंने एक ब्राउन शेड के साथ हल्का सा पर्पल, क्योंकि देखिए हम जो ड्रेस शेड तो दिखाया ना, कौन सा वाला दिया है? पर्पल, पर्पल ये शेड है पर्पल, क्योंकि ब्राउन से बड़ी सख्ती आ जाती है, इससे सॉफ्टनेस आई है, सॉफ्ट आई है, मैंने ब्राउन इसमें ऐड नहीं किया है। उई ये मेरा तो हो क्या रहा है, मतलब लाइक गड़बड़े हो जा रही है। अच्छा ये जो ब्राउन कलर है पकार, देखिए आप जरा एक नजर दें, ये ब्राउन जो है वो थोड़ा डार्क है, मैंने पर्पल की तरफ देखी है। आपने जो इनकी जो हड्डी वाली जो वो बनाई है क्रीज सॉकेट पे, हाँ सॉकेट हड्डी, अच्छा, और सॉकेट पे मैंने ना बहुत ज्यादा शार्प नहीं दिया, सिर्फ एक यही कलर यूज, एक यही कलर यूज किया, और इसके कॉर्नर पे हल्का सा ब्लैक लगा है। ये देखिए ये ऐसा कलर है, इसको कलेजी कलर कहेंगे आप, कलेजी से भी थोड़ा डार्क, जैसे मरून एंड डार्क पर्पल मिक्स करें तो ये कलर बन जाता है। ठीक है, ये वाला कलर आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला दिया है जिसकी एक ही शेड की मदद से पूरा खेल है ना मकान। ये लो बेटा, ये लैशेस का भी, तुम लोग लैशेस वगैरह लगाते हो खुद से? नहीं है ना, कुछ टेढ़ी मेढ़ी लग जाती है, आंखें महंगी लगने लगती हैं, आगे पीछे हो जाती है ना, लगानी ही नहीं आती है लैशेस। तुम लगाती हो? कभी भी नहीं, नहीं लगा, रिसेंटली शूट पे उन्होंने लगाई थी ना, वाज लाइक मुझे इतना हैवी लग रहा था, आदत नहीं होती शुरू शुरू में, मुझे भी इतना प्रॉब्लम होता जब हम लैशेस लगाते थे तो ना आंखें नहीं खुलती। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने इतने लोगों का मेकअप किया, आपके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि निदा वो वाहिद है जो मेकअप में बिल्कुल तंग नहीं करती है ना, आपको नहीं करती, दूसरों से पूछे आपको, जिसका मुझे पता है कि उसको मेरा चेहरे का पता है, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर जब मेरा मेकअप हो जाता है ना, फिर गड़बड़ होती है, फिर मैं बोलती हूँ कि यार ये पहले तो मौका दो ना करने। हाँ मैं कहता हूँ, मैं एक्ट्रेसेस को भी ये बात कहता हूँ कि आप अक्सर ये होता है कि लोगों ने एक मेकअप आर्टिस्ट रखा हुआ होता है और एक ही मेकअप आर्टिस्ट से काम कर रहे होते हैं, ये नया ट्रेंड बनता जा रहा है, लेकिन जितने भी आप सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं वो हमेशा आपको सजेशन देंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप मुझसे ही मेकअप करवाएं, क्योंकि एक चेहरा ना हो सकता है मैं किसी और तरीके से आपको हसीन देख रहा हूँ, शहजादी मेकअप करती थी किसी और तरीके से हसीन देख रही है, वाजिद मेकअप कर रहा था किसी और तरीके से देख रहा है, तो ये जरूरी है कि आपको मेकअप, आपको देखें कितने लोग आपके चेहरे पे मेकअप करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लुक्स, एक लुक आती डिफरेंट, बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। अच्छा लैशेस लगाने का तरीका देखे, पहले थोड़ा सा सुखाते हैं उसके बाद लगा, अच्छा ग्लू हमेशा थोड़ी सी सुखाएं ताकि वो स्टिकी हो जाए, स्टिकी होगी तो वो जल्दी स्टिक करे, यानी तो वो गीली होगी तो वो आपकी लैशेस पे ही वो फिर छोड़ जाएगी। ठीक है, अब ये मजे की बात है कि एक ही शेड से अभी तक वकार ने काम किया, तो लैशेस लगाने के बाद फिर अब नेक्स्ट स्टेप पर आने वाले जी, और अब सबसे अच्छी बात ये है, आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के अंदर ना सब अवेलेबल है, पहले हमें एक लैश, आपको याद है खुदा के लिए हम कितना दौड़ते थे कि वहाँ से लेके आना है, पाकिस्तान में अब सब कुछ मिल जाता था। अच्छा, और अब जो पाकिस्तान के, आपको पता है ना पाकिस्तान में जुगाड़, अब हम कहते हैं हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाए और यहाँ देखिए ना मौका मिले तो एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे थे पटाखे पटाखे एक्सप्रेशन, माशाल्लाह सब लोग, आप लोग ही चारों, यहाँ पर जो कॉस्मेटिक जो यहाँ की लोकल लैशेज बन रही है वो इंटरनेशनल लैशेस से बहुत बेहतर है। अच्छा चलो जन्नत, मैं तुमसे कुछ बात करूंगी ना, तो तुम्हारी क्या हॉबीज क्या है, टिकटॉक के अलावा क्या तुम्हारे शौक है? अब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, उसके अलावा बाकी घर के काम भी करती हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ जी, ये तो अम्मी से कॉल करके पूछना पड़ेगा जी जी पूछ रहे हैं आप, कुकिंग भी कर लेती हूँ, मतलब बड़ी बड़ी चीजें नहीं आती जैसे बिरयानी वगैरह जो होते हैं ना, वो वाली चीजें नहीं आती, बाकी छोटी मोटी जो चीजें होती है दाल चावल गोश्त सब्जियाँ सब बना लेते मैक लगाई है, और मैक का कौन सा नंबर इनके मैक का मैंने 15 नंबर इनके लगाया है। अच्छा 15 नंबर, और मैक भी अब यहाँ पर, अच्छा पहले ही होता था कि यहाँ पर वो फाउंडेशन नहीं मिलती थी, 15 नंबर तो 15 तो बहुत फेयर है। हाँ मैंने फेयर, क्योंकि इनकी स्किन भी फेयर है ना, नहीं तो इसके जो पिंपल्स वगैरह हल्के से जो है वो सब आप देखिएगा, वो छुपाने की जरूरत नहीं करूंगा तो ये सब छुप जाएगा। ये जो आपके हाथ में ब्रश है ये कहाँ का है? ये बहुत अच्छा नबीला, अरे यार कितना जबरदस्त, मैं बता रहा ना पाकिस्तान में अब सब चीजें नबीला का ब्रश, नबीला की फाउंडेशन इतनी मजेदार हैं, ये तो मुझे और कितनी अच्छी इसकी ग्रिप है, बहुत अच्छी ग्रिप है और इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू नबीला, कहाँ कौन सा कैमरा है? हाँ बहुत थैंक यू नबीला, वेरी नाइस, मुझे इतनी खुशी होती है कि सुनकर ये अच्छा ये पाकिस्तान की लाइक ब्रांड है और वो देखने में मुझे लग रहा है इतना। आपको मैंने बताया था ना इंडिया की जो एक्ट्रेस के साथ हमने काम किया वहाँ पर कमर्शियल में, तो उनको ये फाउंडेशन बहुत पसंद आई, मुसर्रत की भी और नबीला की भी। अच्छा। तो मैंने यहाँ से उनको काफी स्टॉक फिर बैंकॉक भेजा। अच्छा ये भी देखें कि अंडर
आए यानी डार्क सर्कल्स को किस तरह कंसील करते हैं? और मैंने कोई बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाई, कम लगाई ना, उसकी स्किन पे जरूरत ही नहीं है, बहुत लेस लगाई। अच्छा तुम लोग जो हो वो खुद अपना मेकअप कर रहे होते तो कैसे सीखते हो, आता है या आ जाता है देखते देखते। और अब तो थैंक्स टू ट्यूटोरियल्स की वजह से बड़ा फायदा, मोस्टली लोग ऐसे ही सीखते हैं घर बैठे यूट्यूब देख, है ना, बड़ा वैसे फायदा हो गया। और अब तो इंस्टाग्राम पे ही सब कुछ आ जाता है, यूट्यूब की भी जरूरत नहीं है। तुम जन्नत बताओ तुम फोन कितना यूज करती हो पूरे दिन में, कितने घंटे? बहुत ज्यादा करती हूँ क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ है ना, तो इसलिए कुछ होता नहीं है काम करना। तो अम्मा अम्मा से डांट पिटी, चलो बर्तन धो? नहीं नहीं, सब काम करने के बाद, जो मेरे काम है घर के सब करने के बाद में बैठती हूँ। कितने तुम लोग? मैं, हम लोग तीन बहन भाई, तीन भाई, बस दो भाई है मेरे और मैं एक बहन, एक लौती बहन जी। तो भाई नखरे उठवा दे तुमसे अपने या तुम उनसे? नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ, भाई छोटे हैं, लेकिन घर में सबसे छोटी मैं हूँ। अच्छा, तो बहन एक होना, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, लाडली फिर वही होती है ना। तो तुम जो सारे डबल रोटी अंडे वगैरह मंगवाओ, ये वो सारे वो भाइयों को, है ना, अब वो तो नहीं तुम्हें कहते चलो हमारी शर्ट इस्त्री करो? नहीं, खुद करते हैं, खुद करते हैं। बल्कि मैं भी करवा ली थी। यस यार, ये इस तरह की बच्ची होनी चाहिए लड़की, सही सही। अब देखिए, मैंने बहुत लाइट फाउंडेशन लगाई है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं किया, और हम कंसीलर लगाएंगे इसके। अच्छा, कंसीलर जो यूज कर रहे हो वो भी बता देना। मैं टार्ट का कर रहा हूं, टार्ट का शेप टेप। ये कौन सा नंबर है? इसका नंबर है 345। 345 मतलब कोई लिखा होगा ना, मीडियम या क्या? 345 मीडियम। मीडियम, हाँ मैं भी मीडियम यूज करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक येलो, मतलब लाइक इसी टार्ट का येलो कंसीलर लगाती हूँ नीचे। हाँ, येलो इसकी हमारी अंडरटोन येलो। हाँ, मेरी डार्क सर्कल ज्यादा है इसके, तो इतने हैं नहीं, तो वो लगाने के बाद वो सूखता है, तो फिर मैं ये शेप टेप। आप देखिए कि मैंने मैक की जो मैंने 15 नंबर लगाई है उसी से इसकी कवरेज हो गई। अच्छा, एक चीज मैं एक और आपको बताना चाहूंगा, अब ना वो फैशन भी नहीं रहा कि बहुत कवरेज चाहिए होती है। अच्छा, थोड़ा आपकी जैसे आपके मोल है, तिल है, थोड़ी सांस लेनी चाहिए स्किन को। हाँ, अब आप देखिए कमर्शियल वगैरह में भी हम बहुत मेकअप नहीं करते, बिल्कुल, लेकिन डार्क सर्कल्स छुपे हुए होने चाहिए, उससे फ्रेश लुक आती है, भले और कहीं इतना बेस ना लगाओ। दूसरे टार्ट की कंसीलर की अच्छी बात ये है कि ये कोई ड्राई है और ये बहुत लाइट है। अच्छा, मुझे बात बताएं, जैसे क्या इसको कंसीलर को लगा के थोड़ी देर छोड़ना चाहिए या वहीं पे? जब तक फाउंडेशन लिक्विड कोई भी हो उसके अंदर ऑक्सीडाइज होता ही होता है। अच्छा, कम हो ज्यादा हो होता जरूर है। अब आप देखिए इसको जब तक आप टैप नहीं करेंगे तो वो अपनी जगह पे सेटल नहीं होगा। अब आपने जो है वो बेस पूरी लगा दी। अच्छा, देखिए क्या किया है कि मैंने जो इनका वी एरिया, जिस आईज के नीचे अगर आप वी बनाए तो वो एरिया अगर ब्राइट होगा तो ऑटोमेटिकली इनका फेस और प्यारा लगने लगेगा। ओके, ये एक टिप है कि जो हम डार्क सर्कल्स छुपाते हैं उसको हम वी के शेप में लगाएंगे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि डार्क सर्कल जरूरी, डार्क सर्कल का मतलब ये नहीं कि आप आंख के नीचे लगाएं। देखिए जो हमारी जहाँ सर्कल होता है, आई डार्क सर्कल, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चियों को देखा है यहाँ आंखों के नीचे लगा ली, चाइनीज हो जाता है, चाइनीज बना ले। आप उसको टैप जरूर करें उस जगह पे, लेकिन असल डार्क सर्कल मतलब ये सर्कल, सर्कल ये एरिया होता है। ओके ओके, ये अच्छा। अब आप कॉम्पैक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? लगा रहा हूं इनके 20 नंबर। ये मैक का ही है? मैक का ही है। मैक का NC20। NC20। इनकी भी अंडरटोन थोड़ी येलो है, इसलिए मैंने 15 के बजाय 20 का इंतखाब किया। ठीक है, इंतखाब की तो मुश्किल हो गई। अच्छा, आजकल अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्राइडल मेकअप में ट्रेंड्स कौन से हैं, यानी कौन सा वाला मेकअप, मैट, शिमरी, ग्लिटरी, किस तरह के मेकअप से हैं? देखिए, इट्स डिपेंड। अगर आप इसके लिए कोई वो, मुझे लगता है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज दफा ड्रेसेस ऐसे आते हैं कि आपको उस हिसाब से हम करते हैं, लेकिन ये जो नाम निकल आए ना, मैं तो मेकअप का कभी नाम नहीं किया होता, ब्राइडल शिमरी मेकअप, ब्राइडल फला मेकअप, ये बिल्कुल वही है कि आप चार आलू के साथ, चार टमाटर के साथ, चार प्याज के साथ है तो चार। अच्छा, अभी आपने जो मजे की चीज मुझे लगी है ये कि एक ही शेड से पूरा आई मेकअप, पूरा आई मेकअप किया है, तो इनर आई पे भी कुछ आपने नहीं? अभी आप देखिए मैं इनर आई पे लगाऊंगा। अभी इन्होंने जो पूरा सॉकेट बनाई है आंख की वो डार्क कलर से, क्योंकि अब वो गिरेगा नहीं, तो वो बेस भी अब सेटल्ड हो गई है। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है मेकअप की, डार्क कलर पहले ही इस्तेमाल करके। और प्लीज एक और बात, मैं आजकल ना ब्राइड्स में अभी दो तीन महीने देखी,
आईब्रोज को बहुत डार्क कर देते हैं। आप जरा आईब्रो एक बना के दिखा दे क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। ये देखिए मैंने हाँ आईब्रो बनाई है। मैं दिखा भी दूं कि आईब्रो के लिए क्या पिक किया है मैंने मुसर्रत फकार ने। सॉरी ये मुसर्रत फकार का पैलेट है। ये आप दिखा दें कि ये पैलेट है, ये पिक किया है। कौन सा कलर है? डार्क वाला। डार्क और मीडियम मिक्स किया है। डार्क मीडियम एंड पे डार्क लगाया है और फ्रंट पे मैंने मीडियम लगाया। हम आपको सॉफ्ट हो गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वलीमा लुक है वो वैसे ही सॉफ्ट लुक होती है। वलीमा, निका, मंगनी और ये वाला वो मेकअप है जो आप खुद भी जा सकते हैं। और निका के मेकअप में मैं प्रेफर करता हूँ कि किसी से बोलूं लाल लिपस्टिक के ना लगाएं, है ना, वो सॉफ्ट लुक। फिर आपकी वो जैसे अम्मी ने कहा था मासूम में चली जाती है, वो मंगनी मासूम में चली जाती है। मंगनी में और निका में ना लगाएं। अगर आपको फिर बहुत शौक है कि अच्छा आपकी रुखसती के दिन आप लगा लें तो कोई बात नहीं, उस दिन लगा लें। रेड लिपस्टिक से एक बड़ी फ्रेशनेस भी आती है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है दुल्हनों को वो माइयों में जाग रही हैं, रज जगे हो रहे हैं, गाने ये वो, तो वो वैसे इनकी स्किन थोड़ी सी डल होना शुरू हो जाती है, तो रेड लिपस्टिक से एक फ्रेशनेस आ जाती है, तो वो रुखसती में सही लगता है। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूँ।